बताएं किरण जी। अनिल जी, बाय करके चलना चाहिए यूपीएल। यूपीएल में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और वो अर्लियर स्विंग टॉप भी उसने क्रॉस कर दिया है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 973 का, और टारगेट्स के लिए 986, 988 के लेवल्स आज के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। और हम कल की बात करें तो मेरा मानना है कि 1000 के तरफ हम जाते हुए नजर आ जाने चाहिए। काफी अच्छा पैटर्न है, बाय करके चलना चाहिए। लेवल्स कैश के देने या फ्यूचर्स के? फ्यूचर्स क्या है जी? फ्यूचर्स। फ्यूचर्स एक शेयर आपके लिए है, ये टाटा केमिकल। आप इसको थोड़ा ट्रैक भी करते हैं जितना मेरे को याद है। टाटा केमिकल क्या है, वीक हो रहा है क्या? एक बार आप इसको देखें तो बकायदा डे लो पे है। अगर ये वीक होना है, क्या यहीं से शॉर्ट कर सकते हैं? क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चरली एडजस्टमेंट्स भी होनी है, आपको पता ही है। और इसका ग्लोबल के अंदर फंडामेंटल कारण भी बता दूं, इनका जो अच्छा पैसा बढ़िया मार्जिन वाला कारोबार है, जो कि नमक, टाटा नमक बनाते हैं, देश का नमक, ये अगर वहां चला गया किधर, टाटा ग्लोबल में, तो इनके लिए अच्छा नहीं, टाटा ग्लोबल के लिए अच्छा है वो। इस वजह से भी हो सकता है गिराओ। एक बार जरा टाटा केमिकल्स पे आपके रिकमेंडेशन दीजिए, जरा चार्ट के हिसाब से कितना वीक है, क्या टारगेट रखें, क्या स्टॉप लॉस रखें? चार्ट पैटर्न तो वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहे हैं, और पिछला स्विंग बॉटम है आज ही तोड़ दिया है, और अभी रेजिस्टेंस है 570 के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस करीबन 573 पे रखना चाहिए। पहले टारगेट्स आपको करीबन 552, 553 के देखने मिल जाने चाहिए। वो अगर निकल जाते हैं तो फिर बड़ी गिरावट तैयारी हो जाएगी, और बड़ी गिरावट यानी बहुत बड़ी गिरावट यानी 450 के टारगेट्स आपको दिख जाएंगे अगर ये 550 के लेवल तोड़ देता है तो। ठीक है, बताएं सर। बेचना है ग्रासिम। ग्रासिम में मेरा मानना है कि कल की पैनिक बॉटम तोड़ दिया है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो मेरा मानना है इधर से आज के लिए टारगेट्स, अभी 15-20 मिनट है, पर आज के लिए 809 के टारगेट देखने को चाहिए, और कल के लिए करीबन 800 के नीचे के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। तो ग्रासिम स्ट्रॉन्ग सेल कॉल, मेरा स्टॉप लॉस 823 का। देखिए, ये कल का टॉप गेनर था एफएनडो में, 7% ऊपर था, आज 7% वापस से नीचे, और ये 60 के क्रिटिकल लेवल पर भी है, ब्रेक करेगा तो 50 का हो जाएगा क्या? बिल्कुल, आप से एकदम सही कह रहे हैं, 60 का लेवल बहुत ही क्रूशल है, और उसके नीचे बहुत ही स्टॉक खराब हो सकता है, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में मेरा मानना 50 नहीं, उसके बहुत नीचे जाने की उम्मीद है। तो मेरा मानना है कि ये पहले टारगेट्स करीबन 42 के देखने को मिल जाने चाहिए, और उसके बाद 33, तो ये लंबे टारगेट्स है, महीने दो महीने में आने की संभावना है, पर ये 60 का लेवल बहुत ही क्रूशल है, क्लोज उसके नीचे। ओके, रिलायंस के चार्ट पर गौर फरमाइए और बताइए क्या कल और कमजोर होगा क्या? देखिए, 1250 ही इंपॉर्टेंट लेवल है, कल अगर वीकनेस नहीं होती है और 1250 होल्ड करता है तो वापस एक बार बाउंस देखने को मिलेगा, पर अगर 1250 निकल जाता है तो वापस कल परसों की जो लोज है 1238, 1228 ये लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे।